व्हाट्सएप का क्या हालचाल एंड गाइजर, जैसे मैं इस फोटो को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है कि अमित भाई इतना हार्ड फोटो तुम कैसे बनाते हो और जो हेयर तुम एडिट करते हो वो तो एकदम बवाल लगता है। जो कि मैं जानता हूँ गाइज फोटो बहुत हार्ड बनता है और गाइज आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आज आपका भाई आप लोगों से इसी प्रकार का हेयर एडिट करना और जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है फेस स्मूथ करना। जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोग जब फेस स्मूथ करते हो यहाँ पर ब्लैक या ब्लैक इस तरह कहीं पे ब्लैक कहीं पे व्हाइट हो जाता है, लेकिन गाइज आप लोग मेरे फोटो पे देख सकते हैं कितना हार्ड मेरा चेहरा जो है वो स्मूथ हुआ है। और जो सबसे मेन चीज़ है जो कि आप लोग सॉल्ट वगैरह बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना हार्ड में बोके इफेक्ट लगाया हूँ बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड कितना ज़्यादा देखने में परफेक्ट लग रहा है और गाइज फोटो तो एकदम बवाल मचाने वाला बना है। जो कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा 3 स्टेप में ऐसा सेम फोटो एडिट करना। बस आपको क्या करना, अपने भाई के इस वाले वीडियो को फुल वॉच करना, उसके बाद सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसा बैकग्राउंड एडिट करना, उसके बाद आपको सिखाऊंगा फेस को स्मूथ करना एंड उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका हेयर एडिट करना। जो कि मैं ब्रश का यूज करके इतना हार्ड प्रोफेशनल तरीका से सीबी एडिटिंग बताऊंगा हेयर एडिट करना, ठीक है, एंड सॉल्ट वगैरह पर चमक देना सब कुछ आपको इसी वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है एडिटिंग के बारे में, यानी कि आपको बस जीरो नॉलेज है एडिटिंग के बारे में, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखकर 90% नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो सोच लीजिए आप लोग, एक वीडियो से आप लोग को इतना ज्यादा एडिटिंग सीखने को मिलेगा। चलिए मैं काम करता हूँ वीडियो को स्टार्ट एंड जल्दी से आप लोग को सिखाता हूँ। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपको सीबी एडिट करने के लिए इस वाले फोटो को आपको ले चलना होगा कहाँ पे, वो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। आपको सारा स्टेप आराम से देखना है। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी सारे वीडियो में बहुत फास्ट बोलता हूँ, लेकिन गाइज इस वाले वीडियो में आपको एकदम आराम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है स्नैपसीड में, उसके बाद आपको डिटेल पे यानी कि टूल्स पे आना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला डिटेल वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आपको डिटेल को फुल करना है, फिर आपको शार्पनिंग को भी फुल करना है। गाइज इतना काम के बाद आपको सही पे क्लिक कर देना है। फिर गाइज ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये तीर का निशान, इस पर आप लोग जस्ट क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ये व्यू एडिट का, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा और फिर आपको जो ये डिटेल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और जो ये बीच वाला ऑप्शन है आप लोग ध्यान के बीच वाला जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक कर देना गाइज। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा इनवेट का, जो कि इसको हम बोलते हैं इनवेट। तो मैं क्या करूँगा इस पे एक बार क्लिक करूंगा और फोटो मेरा खराब हो चुका है। तो गाइज उसके बाद देखिए आपको इस तरह फेस का जो इफेक्ट है वो हटा लेना, जितना भी फेस पे इफेक्ट आप लोग का आया होगा उसको आप लोग इस तरह हटा लीजिएगा। देखिए मैं कैसे हटा रहा हूँ, आपको हेयर पे रहने देना है, सॉल्ट पे रहने देना है, बैकग्राउंड पे रहने देना है। देखिए जैसे मैं करता हूँ ऐसे आपको भी इतना सारा काम करना है। देखिए कितना हार्ड में सारा इफेक्ट हटा लिया हूँ, पहले पूरा बेकार लग रहा था इफेक्ट अप्लाई के बाद, लेकिन देखिए कितना हार्ड लग रहा है। तो आपको इतना काम करना, उसके बाद आपको एक बार और आना है डिटेल पे और इस बार भी आपको शार्पनिंग को हाइक कर देना। देखिए आप लोगों को बस इतना काम करना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पहले कैसा था फोटो अब कैसा हो चुका है, यानी कि अब थोड़ा सा HDR हमारे फोटो और बैकग्राउंड पे आ चुका है। तो गाइज इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप में क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं Lightroom पे क्लिक कर दिया हूँ एंड जस्ट मैं क्या करता हूँ अपने Lightroom एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। देखिए आप लोग को सारा का सारा स्टेप ध्यान से देखना है, फिर आपको ऑल फोटो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और गाइज देखिए जो भी मेरा फोटो था वो यहाँ पे आ चुका है। एंड गाइज यार इसके साथ ही मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रीसेट जो कि सबसे बेस्ट प्रीसेट है, ठीक है। आप लोग जितने भी प्रीसेट आज तक डाउनलोड किए होंगे सबसे बेस्ट वाला प्रीसेट ये रहा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस आपको अपने फोटो पे क्लिक करना और ये जो ऑप्शन होता है एक 3 डॉट का, इस पर आप लोग को जाना है और इसको कॉपी सेटिंग करके और सही पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको अपने फोटो पे आकर बस पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट करने के लिए आपको 3 डॉट पे आना है और इधर जो पेस्ट का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर दूँ। देखिए 1 क्लिक और जो आपका फोटो का पूरा लाजवाब एडिट हो जाएगा। देखिए 1 क्लिक में पहले तो आपका जो चेहरा है वो फुल HD देखिए हो चुका है, फिर आपको बैकग्राउंड भी एक कलर का और सॉल्ट वगैरह हर चीज़ देखिए कितना हार्ड हो चुका है। तो बस आपको इतना काम करना है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ से भी इसको तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद है यहाँ से देखिए ये और भी ज़्यादा वाइड कर सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा आप लोग इधर से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा। इतना काम के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको तरीके से और लो करता हूँ। आपको सीधे आपको अपने फोटो को
ले चल रहा होगा कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आप सारा स्टेप ध्यान से देखिए, तभी आप लोग सेम एडिटिंग सीख पाएंगे। अगर आप लोग गलती से भी स्किप करते हैं वीडियो को, फिर तो आप लोग कभी भी एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो आपको आ जाना कहाँ पे, चलिए मैं गलती से आ गया हूँ स्क्रेच बुक में, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप लोग को आ सकते हैं। तो देखिए आपको स्क्रेच बुक में आने के बाद सिंपली आपको ब्रश वाले आइकन पे आ जाना है। फिर आपको क्या करना, ऊपर जाना और इस वाले ब्रश को लेकर सेटिंग देखिए सेम आपको, इसको आप लोग चाहे तो चार रख सकते हैं, ठीक है। चार अगर रखेंगे तो आप और भी आसानी से स्मूथ कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इस तरह फोटो को जूमिंग करना है और साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। देखिए मैं कैसे कैसे ब्रश चला रहा हूँ और देखिएगा कितना हार्ड। देखिए आपको इससे सीधा ही ब्रश चला सकते हैं या फिर चाहे तो इस तरह गोल भी चला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आपको कैसा अच्छा लगता है चलाने में, यानी कि आपको कैसा वो कौन सा अच्छा लगता है, मज़ा आता है चलाने में, वही आपको चलाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग को अगर सीधा सीधा अच्छा लगता होगा तो आप लोग सीधा चला लीजिएगा। देखिए कितना हार्ड मैं ब्रश चला रहा हूँ, कितना हार्ड ऊपर का पार्ट है स्मूथ हो गया। फिर आपको क्या करना, ये जो गाल है यानी कि चश्मे के नीचे का जो पार्ट है, इसको मैं देखिए इस प्रकार से ब्रश चलाऊँ। देखिए जिस तरह आपका फेस का आकार होगा उसी प्रकार से आपको ब्रश को चलाना होगा। देखिए कितना हार्ड, आप लोग देखिए कितना हार्ड मैं ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ गाइस। इसी प्रकार से आपको हर एक चीज करना है। फिर मैं इसको स्मूथ करूँ, देखिए कितना हार्ड, देखिए मेरा गाल भी स्मूथ हो रहा है। पहले कैसा था, पूरा बेकार था, ब्लैक था, लेकिन देखिए ब्रश यूज करने के बाद कितना हार्ड हर एक चीज़, देखिए कितना हार्ड आपका भाई पूरा हर एक चीज़ स्मूथ कर रहा है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से अपना फोटो स्मूथ करना है। देखिए अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक गाल मेरा एक साइड का गाल जो स्मूथ हो गया, फिर मैं क्या करूँगा इस साइड का गाल स्मूथ करूँगा। तो जिस साइड में उस तरह ब्रश चलाया था, देखिए पहले ये स्मूथ करना इस वाले पार्ट को, फिर ना के साइड साइड में, फिर मैं क्या करूँगा इतना काम होने के बाद फिर मैं इसको इस तरह स्मूथ करूँगा। और ये तीनों स्मूथ हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से गाल पे ब्रश चलाने देंगे, इस प्रकार से देखिए ऐसे ऐसे चलाने। देखिए आपको सारा स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मूंछ को ऊपर इस तरह ब्रश को चलाना है, फिर आपको नाक के साइड साइड में, एंड इतना काम के बाद आपको जो ये चश्मा है इसके नीचे इस तरह ब्रश को अप्लाई करना है। देखिएगा मैं सारा का सारा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, सही सही तरीका, इतना खुल के आप लोग को नहीं बताता है जितना आपका भाई आप लोगों को बता रहा है। तो देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ सेम सेम आपको भी ब्रश को अप्लाई करना अपने चेहरे पे। देखिए कितना हार्ड आपके भाई का चेहरा है स्मूथ हो रहा है, एंड आप लोग भी ऐसे ही स्मूथ करिएगा फोटो को। अगर आप लोग को मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग कमेंट करते, एक भी बंदे का कमेंट आ गया कि भाई मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक लाओ, तो मैं बहुत सारा मेहनत करूँगा, ठीक है, वो आप लोग के लिए। बस आप लोग एक कमेंट करिए कि भाई अमित भाई मोबाइल फोटोग्राफी लाओ, मोबाइल का फोटो कैसे बनता है, मैं सारा कुछ आप लोग को बताऊँगा, जो आप लोग बोलेंगे वो बताऊँगा। बस आप लोग कमेंट करिए, अपने भाई से बोलिए कि भाई ये करो वो करो, हर चीज़ होगा, ठीक है, आप लोग के लिए। क्योंकि मैं आप लोग तो जानते हैं कि आप लोग हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो आप लोग हैं, यानी कि हम सब भाईचारा है, समझ सकते हैं गाइस। तो देखिए इसी प्रकार से आपको हर एक पार्ट है स्मूथ करना। फिर नाक आप लोग देख सकते हैं, नाक देखिए ब्रश को आपको आराम से एडजस्ट यानी कि छोटा बड़ा कर करके स्मूथ करना होता है। बहुत लोग साइज को नहीं देखते हैं गाइस, जैसा साइज होता है उसी हिसाब से स्मूथ करते हैं। तो गाइस और ऐसे आपका स्मूथ खराब हो सकता है, ब्रश ब्रश चीना आ सकता है, तो आप लोग को ब्रश को भी चेंज करते रहना है, कहीं पे छोटा करना है कहीं बड़ा करना है। देखिए कितना हार्ड चेहरा आपका स्मूथ हुआ है। देखिए अभी चेहरा पर चमक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, चमक देना बाद में बताऊंगा आप लोगों को। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपका गर्दन है इसको आप लोग को स्मूथ करना है। तो देखिए गर्दन तो आप लोग जानते हैं स्मूथ करना कितना ईजी होता है, जो सबसे आसान होता है गर्दन स्मूथ करना। जो एक गर्दन जो होता है वो आप लोग फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि गर्दन में कोई भी शेप आकार ये नहीं होता है गाइस, बस आपको ब्रश चलाना होता है। तो देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी हर एक चीज़ करना है। देखिए कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। तो देखिए आपको ऐसे ही पूरा आराम आराम से, देखिए आपको पूरा फोकस अपने हाथ पर करना है, ठीक है, यानी कि अपने फिंगर पे, और आपको आराम आराम से हर एक चीज़ स्मूथ करना है। बहुत लोग स्मूथ पे ध्यान नहीं देते हैं, साइज पे इस तरह पूरा मिला देते हैं, तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फोटो को छोटा करना है। देखिए फोटो को आप जितना जूम करके स्मूथ करेंगे ना उतना फोटो आपका मस्त लगेगा, पूरा देखने में रियलिस्टिक लगेगा। तो आप लोग गलती से भूल मत करिएगा और आराम आराम से आपको स्मूथ करना है। मैं जानता हूँ कि वो शुरू शुरू में समय लगता है स्मूथ करने में, बट कोई भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए मेरा सारा कुछ स्मूथ हो गया, बस ये हाथ बचा है। तो मैं क्या करता हूँ, हाथ को भी साइज को छोटा करूँगा और इस प्रकार से देखिए मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको भी करना है। देखिए स्मूथ, देखिए ये भी स्मूथ हो गया, फिर इसको स्मूथ करना है। देखिए हर एक चीज़ आपको ऐसे भी स्मूथ करना है। देखिए कितना हार्ड आप लोग देख सकते, कितना हार्ड आपका भाई स्मूथ कर रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाला जो ये पार्ट है इसको भी मैं स्मूथ कर लेता हूँ। देखिए
इस प्रकार से आपको हर एक चीज़ स्मूथ करना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत चीज़ स्मूथ नहीं करते हैं। तो गाइज वो गलती आप लोग मत करिएगा, वरना आप लोग रोस्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ही आपको रोस्ट कर सकता हूँ, ये मजाक कर रहा हूँ गाइज। यानी कि गलती मत करिएगा, सब कुछ मन सच्चे दिल से करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बकचोदी करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग अच्छे से मन लगाइए, मन लगा कर एडिटिंग करिए। देख सकते कितना हार्ड मेरा हर एक चीज़ स्मूथ हो रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले कान को भी स्मूथ करता हूँ, देखिए कितना हार्ड है। तो आपको इसी प्रकार से अपना हर एक चीज़ स्मूथ कर लेना। देखिए मेरा फेस वगैरह हर चीज़ स्मूथ हो चुका है। तो देखिए आपको इतना काम करने के बाद बस आपको एक काम करना, वो क्या करना है, आपको अपने ओठ को लाल करना है। तो लाल करने के लिए आपको लेयर पे आना है, प्लस पे जाकर एक ठो लेयर यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट बन गया। फिर आपको ब्रश पे आना है, और गाइज आपको एक दूसरा ब्रश लेना है, इस वाले ब्रश को लेकर कलर को आपको लाल रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल रखने के बाद आपको देखिए इस प्रकार देखिए इसको अप्लाई करना है। देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी अप्लाई कर देना है। फिर मैं इसको भी अपने हिसाब से करता हूँ। फिर गाइज आपको क्या करना है, देखिए इसको इस पे जाकर एंड ऑफ सीट को अपने हिसाब से लॉक कर देना। मैं इसको इतना रखता हूँ। देखिए आप लोग इतना काम कर लीजिए, देखिए मेरा फेस कितना हार्ड स्मूथ हो चुका है। बट गाइज इसमें अभी एक चीज़ कमी है, क्या कमी है वो बताऊँगा। देखिए बहुत लोग क्या बताते हैं, फेस में चमक देने के लिए बहुत लोग इस पे आते हैं, लेयर बनाते हैं, फिर ब्रश पे जाते हैं, ये ब्रश लेते हैं। तो गाइज वो सारा का सारा जो तरीका है वो गलत तरीका है, ठीक है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत कराते हैं, ठीक, उतना मेहनत कोई नहीं करता है, सब लोग शॉर्टकट फोटो बनाते हैं, लेकिन आपको लंबा प्रोसेस बताते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना, अपने फोटो को ले चलना कहां पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए मैं कैसे चमक देता हूं हर चीज आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आ जाता हूँ स्नैपसीड में, देखिए सॉरी मैं आ चुका हूँ पिक शॉट में, पता नहीं क्या हुआ है, मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं पिक शॉट में पहले क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का काम करता हूँ, ठीक है गाइस। आप लोग समझ सकते हैं मैं गलती से क्लिक हो गया पिक शॉट में, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी हुआ सब सही हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना बैकग्राउंड एडिट करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इफेक्ट पे आऊँगा, और इधर आपको आना है कलर पे, ये रहा कलर, मैं कलर पे जाऊँगा, कलर रिप्लेस पे जाऊँगा। फिर आपको इस पे आकर इसको क्या करना, आपको पूरा का पूरा ग्रीन रखना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसको 107 क्या हूँ, पूरा ग्रीन बैकग्राउंड हो चुका है। आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा, फिर आपको सही पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट पे आना है, और आपको एक चीज़ करना है, आपको आर्टिक्स पे आना है, सबसे लास्ट में जाकर आप लोग फेटल वन वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा। इसको लेने से क्या होता है, आपका जो शर्ट वगैरह हर चीज़ बहुत सारा चमक आ जाएगा। देखिए देखिए कितना खतरनाक चमक आ रहा है। तो आपको ये वाला रखना है, ठीक है, ये वाला रख सकते हैं। फिर आपको इरेजर पे आना है, बस आपको बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड होगा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा। देखिए कितना हार्ड आपका, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड बैकग्राउंड हो चुका है। उसके बाद आपको इरेजर पे आकर रीस्टोर पे जाकर आपको देखिए शर्ट पे भी इसको तनी सा हाईलाइट कर लेना। देखिए किस कैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग शर्ट पे भी इफेक्ट को अप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे कितना हार्ड। तो देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, इतना अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड करना है, मोर पे क्लिक करना है, और अपने फ़ोटो को आपको कहाँ पर ले चलना है, फोटो एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आपको सारा स्टेप अच्छे से समझना है। पहले मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपने शर्ट पे चमक दूंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, वो भी सबसे आसान तरीका। तो देखिएगा जिसमें बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, जो कि आपका जो नेट है वो फास्ट होना चाहिए, तभी ये फास्ट वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा ब्लर वाले आइकन पर, और गाइज इस पर आने के बाद आपको क्या करना, एक बार अपने शरीर पर इस तरह क्लिक करना है। देखिए अभी नेट स्लो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी नीचे लोडिंग ले रहा है। फिर मैं शरीर पे क्लिक करूँगा, इसको मैं नीचे करूँगा और बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक कर दूँ, जो भी ये वाइट वाइट है पूरा गायब हो जाएगा। फिर आपको बैक आ जाना है, और आपको नीचे आना है बैकग्राउंड पे, और आपको ब्लर पे जाना है, और आपको सबसे लास्ट वाले ब्लर को लेकर इसको देखिए आपको क्या करना है, इसको हाई करना है, ठीक है। आप लोग कितना भी हाई करेगा फोटो आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग ये वाला ब्लर लीजिएगा, अगर आप लोग हाई करते हैं तो पूरा बराबर हो जाता है, यानी पूरा देखने में बेकार लगता है। तो आप लोग गलती से भी इस वाले ब्लर का यूज मत करेगा, आपको यूज करना है कौन सा ब्लर, इस वाले ब्लर का। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, और इसको अगर हाई भी कर दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए बैकग्राउंड कितना परफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इतना पे करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए मैं इसको तनी सा लो करता हूँ, फिर इस वाले को ले चलना आपको कहाँ पे, डायरेक्ट पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आप लोग को इतना सारा काम तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट पिक्स आर्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको पिक्स आर्ट में आने का, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले लोगों को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप लोग आ जाइएगा ऐड फोटो पे, और जो भी आपका फोटो था बिना ब्लर वाला, उस वाले फोटो को आपको ले लेना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है।
फिर आपको पूरा जूमिंग करके इसको बराबर कर लेना है, ठीक है, फोटो पूरा 4x4 बैठा लेना है, फिर आपको इनिवेट कर देना है। और उसके बाद आप लोग देखिए इस प्रकार से इसको अप्लाई करना, देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा। एंड अप्लाई हो गया, फिर आपको सही पे क्लिक करना है। और इसको हटाने के लिए आप लोग सिंपली यूज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन का, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ओएसटीएफसी में जाकर हिलिंग का भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से इसको मार्क लगाता हूँ और रिमूव पे क्लिक कर दूंगा। देखिए वन क्लिक और सारा का सारा कैसे हट जाएगा। तो आप लोग को भी ऐसे ही क्या करना, जो भी आपको हटाना होगा उसको हटा लीजिएगा। फिर आपको मैं दूंगा एक ठो पीएनजी, वो भी होगा बोके इफेक्ट वाला, उस वाले पीएनजी को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने पीएनजी की तरफ, ठीक है, क्योंकि गाइस यार मैं पीएनजी रखता हूँ कुछ अलग फोल्डर में, जो कि आप लोग समझ सकते हैं गाइस पीएनजी वगैरह बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। आप लोग सोच नहीं सकते गाइस कितना मेहनत से मैं हर एक पीएनजी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। फिर इसको पूरा आप लोग को जूमिंग करना है, और आपको क्या करना है, इसको करना है ब्लेंड। देखिए मैं इसको आता हूँ ब्लेंड और इसको करता हूँ स्क्रीन। उसके बाद आपको देखिए इसको अच्छे से करके इसको मैं और साइड में करता हूँ, और आपको इरेजर पे आ जाना है। और गाइज आपको क्या चीज़ करना है, देखिए इस प्रकार से जो भी आपके शरीर पे इफेक्ट आया होगा इसको आप लोग को हटा लेना है। फिर मैं छोटा करता हूँ और देखिए ऐसे ऐसे आपको इसको हटाना है। तो गाइज देखिए हर एक चीज़ आपको ऐसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे सेम आपको हर एक चीज़ करना है। देखिए कितना हार्ड, देख सकते हैं मैं इसको भी हटा देता हूँ, देखिए कितना हार्ड मेरा वोके इफेक्ट भी लग चुका है। तो आप लोग ऐसे हटा लीजिएगा, फिर आपको देखिए बिफोर आफ्टर कितना हार्ड फोटो आपका लग रहा है। तो फिर आपको क्या करना, सही पे क्लिक कर देना। और गाइज इतना सारा काम होने के बाद आपको अपने फोटो को कहाँ पे ले चलना, डायरेक्ट स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं बताऊंगा आपको हेयर कैसे एडिट करना है। तो देखिए हेयर को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रश वाले आइकन पे आना है, सबसे नीचे जाना है, और आप लोग इस वाले ब्रश को लेकर सेटिंग को देखिए सेम इतना रखना है, ठीक है। फॉलो को 38 और स्ट्रेंज को भी आप लोग 38-39 रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना, एक साइड से मान लीजिए जो मेरा हेयर है वो तरी से क्या है कि इस साइड लफा है, यानी कि जंप किया है, ठीक है, इस साइड की तरफ घूमा है। तो आपको देख लेना मेरा हेयर किस साइड की तरफ घूमा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको फोटो को पूरा रोटेट कर लूँगा। उसके बाद मुझको आना है सेटिंग पर, देखिए सारा सेटिंग आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या किया हूँ। फिर आपको देखिए इस प्रकार देखिए अप्लाई करना है हेयर को। आप लोग देख सकते हैं गाइज मैं कैसे कैसे हेयर को यूज कर रहा हूँ। देखिए आपको सेम ऐसे उधर से इधर की तरफ आप लोग को एकदम हाथ को आराम से चलाना है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से मेरा हेयर उसी प्रकार से मैं अपना हाथ को फिंगर को चला रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे फिंगर को चलाना है। फिर गाइज देखिए इधर से क्या चीज़ है कि इधर से ऐसे ऐसे घुमा है, तो मैं क्या करूँगा इधर से ऐसे ऐसे घुमाऊँगा। देखिए गाइज कैसे आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं मैं कैसे कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ ऐसे ऐसे करना है गाइज। देखिए आपको कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बताता, बट आपका भाई आप लोग को सारा ट्रिक बता रहा है। देखिए इतना काम हो गया, फिर आपको एक चीज़ और करना होता है, आपको साइज को छोटा करके बस ऊपर ऊपर आप लोग को इस तरह मिलाना होता है अपने हेयर को, ठीक है। देखिए मैं कैसे कैसे ऊपर ऊपर से बस मिला दे रहा हूँ हेयर को, इस तरह क्या लगता है आपका जो फोटो लगता है पूरा प्रोफेशनल लगता है। देखिए कितना हार्ड आपका हेयर भी बन चुका है। फिर मैं क्या करूँगा, तो नहीं इधर से भी तो नहीं इधर खींच दूंगा। फिर एक चीज़ है कि जो देखिए यहाँ पे हेयर आ चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हरा चीज़ है इधर से मैं खींच दूंगा। देखिए इधर से देखिए कितना मस्त ये सारा हट जा रहा है। देखिए इस तरह आपको देखिए कितना प्रोफेशनल लग चुका है। तो आपको इतना सारा काम कर लेना, उसके बाद आपको अपने फोटो को कहाँ पे ले चलना, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और ये मेरा सबसे लास्ट वाला स्टेप है। फिर आपको सिलेक्टिव पे आना है, और गाइज इस पे आने के बाद आपको सॉल्ट पे मार्क लगाकर सिचुएशन को और ब्राइटनेस को हाई करना है। फिर आप लोग इस साइड पे क्या करेगा, सिचुएशन को ब्राइटनेस को हाई कर दीजिएगा। इससे क्या होता है आपके सॉल्ट पे चमक आ रहा है। बट गाइज आप वो अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी बहुत कुछ आपका भाई आप लोग को बताएगा। देखिए मैं ऐसे से इतना काम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, फेस पे भी लाइट को देना है, जो कि आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि फेस पे लाइट कैसे देना है। देखिए आपको ऐसे ही फेस पे चमक देना है। देखिए मैं कैसे चमक दे रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको लगे कि लाइट कम है वहाँ पे लाइट को देना। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, सारा कुछ आपका भाई बताएगा आप लोगों के सामने। फिर देखिए मैं ऐसे ही हर एक चीज़ करना है। देखिए कितना हार्ड है। देखिए ऐसे ही आपको हर एक चीज़ हर एक जगह लाइट को दे देना। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा टैटू भी कैसे लगाना है, हर एक चीज़ आपको स्टेप से बता रहा हूँ। फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर कैसा हो चुका है। फिर आपको आना है पोर्ट्रेट वाले आइकन पे, और फिर आपको क्या करना है, स्किन स्मूथनिंग को हाई कर देना। इससे क्या होता है, जो आपका फोटो का पूरा क्लियर यानी कि बराबर स्मूथ हो जाएगा।
फिर मैं तनी सा ऊपर भी लाइट को दे देता हूँ, देखिए इस प्रकार से, और नीचे को लो करता हूँ। देखिए इतना परफेक्ट आपका फोटो लग रहा है। फिर आपको आना कहाँ पे, ब्रश वाले आइकन पे, फिर आपको सिचुएशन पे जाना है और इधर से क्या करना, आपको जो अपना ओठ है इसको आप लोग को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देना है। फिर गाइज इतना सारा काम होने के बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट ले चलना पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। देखिए मैं आपको ज़्यादा घुमा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए आपको पिक्स आर्ट में आ जाना, फिर आपको स्टिकर पे आना है, और गाइज आपको क्या सर्च करना है, टैटू। देखिए मैं जैसे ही सर्च करूँगा टैटू, बहुत सारा टैटू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी लगाना है वो आप लोग लगा लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, सिंपली हमको लगाना है बाघ वाला टैटू, तो मैं इसको लगाऊंगा, ठीक, इसको मैं ले लूँगा। फिर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्लिप करूँगा। फ्लिप करने के लिए मैं इस पर आऊँगा, इसको फ्लिप करके यहाँ पर ऐसे बैठा दूँगा। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ टैटू, ऐसे आपको भी टैटू लगा लें। देखिए आप लोग अपने हिसाब से कोई भी टैटू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा कुछ बता रहा हूँ कैसे क्या लगता है, तो आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सा टैटू अच्छा लगता है, आप लोग वो टैटू लगा लीजिएगा। फिर देखिए मैं ऐसे, देखिए टैटू यहाँ पर लगा चुका हूँ। फिर यहाँ पर ऑफसेटू को अपने हिसाब से कर लूँगा। फिर गाइस इतना सारा काम के बाद आपको एक सबसे लास्ट स्टेप बचा है, कौन सा स्टेप वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको आना है मोर पे, फिर आपको इधर आ जाना, और अभी देखिए पता नहीं क्या चीज़ ओपन हो चुका है, मैं इसको बैक करता हूँ। और फिर आपको क्या करना है, टूलविज पे क्लिक कर देना है। और आप लोग जानते हैं टूलविज के बारे में, इससे क्या होता है, आपको फोटो पे ओल्ड पेंट यूज होता है। आपको इफेक्ट पे आना है, सॉफ्ट स्मोच पे जाना है। उसके बाद आपको तीन नंबर को लेकर, ठीक है, इसको लीजिएगा आप लोग, या चार नंबर को ले लीजिएगा। फिर आपको मार्क्स पे यानी क्लीन करना है, और इसको देखिए अपने शर्ट पे अप्लाई करना है। देखिए मैं इसी को अप्लाई किया था, तभी शर्ट मेरा पूरा हार्ड लग रहा था, तो देखिए मैं इसी को इस तरह अप्लाई कर देना है। एंड गाइस ये कितना हार्ड मेरा फोटो लग रहा है। तो गाइस यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड गाइस यार ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ। थैंक यू।